आपको ये तो पता होगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स मेडिकल प्रैक्टिस को सीखने के लिए डेड बॉडीज को यूज करते हैं, लेकिन इस जानकारी से जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये डेड बॉडीज जब किसी के घर पर होती हैं तो 24 घंटों में ही सड़ने लगती हैं, तो ये मुर्दा घरों में कैसे सेफ रहती हैं। दरअसल डेड बॉडीज को सेफ रखने के लिए इसमें फॉर्मेलिन, स्प्रिट, ग्लिसरीन और कार्बोलिक एसिड का एक लेप लगाया जाता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मर जाते हैं और दोबारा पनप नहीं पाते हैं, जिससे बॉडी अंदर से सड़ती नहीं है। जिसके बाद बॉडी को एक टैंक के अंदर डुबो कर रख दिया जाता है। इस टैंक के अंदर भी केमिकल का मिश्रण होता है जिससे कई सालों तक बॉडी बिना सड़े अंदर रह सकती है। पर आज इस डेड बॉडी पर सड़ने की चर्चा क्यों? दरअसल इसकी वजह है फॉर्मेलिन, जिसके चलते मेघालय सरकार ने अपने इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया और प्रदेश में लोगों के लिए खाने की दिक्कत हो रही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों मेघालय सरकार ने लेबोरेटरी टेस्ट करवाया, जिसके बाद मछली के 30 नमूने पर फॉर्मेलिन टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके चलते राज्य के बाहर से मछली के आयात और बिक्री पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त आर.एन. कुर्बा ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि राज्य के बाहर से लाई गई आयातित ताजी मछली या क्रस्टेशियन का भंडारण, वितरण या बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में 15 दिनों की अवधि के लिए या सुधारात्मक उपायों तक प्रतिबंधित है। ये इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। कुर्बा ने यह भी चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(4) के तहत इस अधिसूचना का पालन ना करने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मेघालय में मछली आयात की बात करें तो लगभग 21,000 मीट्रिक टन मछलियों को ज्यादातर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम से भेजा जाता है। आइए समझते हैं कि ये फॉर्मेलिन क्या है और अगर मछली खाने के साथ आपके शरीर में फॉर्मेलिन चला जाता है तो आपके लिए क्यों मृत्यु जैसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। फॉर्मेलिन को फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये असल में एक केमिकल कंपाउंड है जो पानी में घुल जाता है, क्योंकि ये एक कीटनाशक, एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेटिव यानी ऐसा कंपाउंड है जो किसी चीज को सड़ने से रोकता है। इसलिए इसे आमतौर पर हेल्थ सेक्टर, लेबोरेटरीज और मुर्दा घर जैसे कई उद्योगों में यूज किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग कभी कभी मछली पालन में भी देखा जाता है। दरअसल इसे पानी में मिलाकर इससे मछली धोई जाती है। इससे मछलियों में फंगल इन्फेक्शन और बीमारियों को रोकने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते मछलियाँ जल्दी खराब नहीं होती। अब क्योंकि फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड से मिलता है और फॉर्मेल्डिहाइड कैंसर को बढ़ाने वाला केमिकल है, इसलिए फॉर्मेलिन से लोगों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड के लगातार यूज से पेट में दर्द, उल्टी, बेहोशी, ऑर्गन डैमेज, एलर्जिक रिएक्शन और कभी कभी मृत्यु सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसके चलते फॉर्मेलिन या अन्य नॉन परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स के यूज वाली मछली को बेचना और उसे स्टोर करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(5) के तहत असुरक्षित माना गया है। इसलिए इसे लेकर मछली उपभोक्ता राज्य सुरक्षा के प्रति सचेत रहते हैं। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।